मैं रवि कुमार आपका स्वागत करता हूँ हमारे भरल झा शो चैनल में। चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा सुर्खियों पे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 31 मई को होने जा रहा विजयनगर बाई इलेक्शन में आज कांग्रेस, बीजेपी और बीजेडी के कैंडिडेट नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। विजयनगर के उपचुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया में गाइडलाइन के अनुसार प्रशासन तैयार है और राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों को भी गाइडलाइन अनुपालन करने के लिए अनुरोध किए हैं झांसा कलेक्टर सरोज कुमार शामल। झारसुगड़ा बीजेपी सभापति पद से इस्तीफा दिए थे मंगल साहू, राज्य अध्यक्ष ने उनके इस्तीफे को नामंजूर कर दिया है, ऐसा कल बीजेपी की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूचना दी गई। आने वाले 31 मई को विजयनगर में होने वाले उपचुनाव को सुचारू रूप से करने के लिए झारसुगड़ा पुलिस की ओर से 24 घंटे टोल फ्री नंबर जारी की गई है। विजयनगर उपचुनाव के लिए पहला पर्याय ईवीएम मशीन कमीशनिंग किए जाने की सूचना दिए हैं झारसुगड़ा कलेक्टर सरोज कुमार शामल। मालीपाड़ा स्थित मीरा थिएटर परिसर में साल भर चलने वाले नाटक अभियान के 10वें महीने में होने वाले नाटक के लिए एक तैयारी बैठक का आयोजन किया गया था। जोड़ाबगा गांव के युवकों को गांव के पास स्थित कोयले खदान और उसके ठेके कंपनियों में नियुक्ति की मांग को लेकर जोड़ाबगा के काउंसिलर गीतारानी पन झारसुगड़ा सब कलेक्टर से मुलाकात किए। बहरागुड़ा में लखनपुर जोन 2 के बीजेडी कार्यकर्ताओं को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया था। विजयनगर में होने वाले उपचुनाव के लिए निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में विधायक के लिए नामांकन दाखिल किए हैं जरलीपाली पंचायत मुरलीपाली गांव के आदित्य प्रधान। इस बार विजयनगर बाई इलेक्शन में आम आदमी पार्टी से कोई भी कैंडिडेट खड़ा नहीं हो रहा है, ऐसा सूचना दिए हैं आम आदमी पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। प्रिंस होटल एंड रेस्टोरेंट मेन रोड स्टेशन चौक झारसुगड़ा। Visit for comfortable stay and quality food.